ये सब कब शुरू होगा, ये पीएसएल ड्राफ्ट कब होगा, आखिरकार ये मार्की प्लेयर्स होते क्या है, बात करते हैं। और दोस्तों की कमी में खुशांदी सब एक शो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और आप सभी को पता है वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। मेरे भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएसएल की अपडेट्स और पीएसएल की वीडियो तो मैंने शुरू कर ही दी। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आईपीएल के वो लड़के बताए थे जो कि आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए थे लेकिन वो पीएसएल के लिए अवेलेबल थे, तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंडिया के वो कौन से प्लेयर्स है, वेस्ट इंडीज के वो कौन से प्लेयर है जो कि पीएसएल में हिस्सा लेंगे। यार आज की ये वीडियो आप लोगों के डिमांड के ऊपर है, क्योंकि आप लोग ही मुझे बार बार कमेंट सेक्शन में ये कह रहे थे कि भैया पीएसएल का ड्राफ्ट कब होगा, आखिरकार ये मार्की प्लेयर्स होते क्या है। लेकिन उससे पहले यार आप सभी को पता है कि 20,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाले हैं, तो जल्दी से वो भी करवा दो ताकि जब कोई कॉन्टेंट नहीं होगा तो हम उसमें Q&A सेशन कर लेंगे। आप लोगों की डिमांड का सबसे पहला सवाल कि आखिरकार पीएसएल ड्राफ्ट कब होगा, लेकिन नहीं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई पीएसएल 10 जो है वो कब से शुरू होगा और उसकी विंडो क्या है। तो आप सभी को पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होनी है, लेकिन वो होगी फरवरी में। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से जो हमारा पीएसएल है वो जरा बाद में होगा, यानी पीएसएल 10 शुरू होगा 7 अप्रैल से 20 मई तक। और पाकिस्तान की वो कौन सी सिटीज है जो कि पीएसएल को होस्ट करेगी, भैया सबसे पहला नाम आ जाता है लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी। ये 4 ऐसे शहर है जिसमें हमारे पीएसएल खेले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी, और वो ट्विस्ट ये है कि हमारी जो पीसीबी है उन्होंने एक सरप्राइज रखा है हमारे फैंस के लिए। इस टीम प्लेज एटलीस्ट 5 होम गेम्स, यानी कि हर एक टीम जो है वो तकरीबन 5 मैचेस खेलेगी अपने होम ग्राउंड में। 4 प्लेऑफ एट न्यूट्रल वेन्यू, यानी कि 4 प्लेऑफ मैचेस जो होंगे वो न्यूट्रल मैदान में होंगे। यानी जब लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ का मैच खेलेगी मुल्तान के साथ तो वो मुल्तान और लाहौर में नहीं बल्कि कराची क्रिकेट स्टेडियम में ही होगा। और पीएसएल 10 जो है वो मजीद एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि पीएसएल 10 में कुछ नए रूल्स भी आ चुके हैं। और हाँ, अब मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन की बात करते हैं कि आखिरकार पीएसएल का ड्राफ्ट कब होगा। भैया गौर से सुन लो और इस वीडियो को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों से जिनको नहीं पता कि पीएसएल 10 का ड्राफ्ट कब होगा। मेरे भाइयों, आपको मैं ये बता दूं कि 2025 में पाकिस्तान की सीरीज होनी है वेस्ट इंडीज के साथ, जिसमें उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, यानी कि वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान का दौरा करना है और उनकी सीरीज शुरू होगी 16 जनवरी से 28 जनवरी तक। लेकिन अब सवाल ये है कि पीएसएल 10 का ड्राफ्ट कब होगा, तो दोस्तों पीएसएल 10 का ड्राफ्ट होगा जनवरी के दूसरे हफ्ते में, जिसमें हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी एक्शन में होंगे जब ड्राफ्ट होगा। तो दोस्तों ये 100% चांसेस है जो मैंने आपको डेट बताई है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो है वो हो सकता है पीएसएल 10 का ड्राफ्ट हमें देखने को मिले, जिसमें हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हिस्सा लेंगे। बाबर आजम पेशावर जलमी की टीम के साथ बैठकर बड़े बड़े खिलाड़ियों को पिक करेंगे, शाहिद अफरीदी अपनी टीम के साथ बैठकर बड़े बड़े खिलाड़ियों को पिक करेंगे, यानी मजा तो आएगा यार। और अब अगर आखिरी क्वेश्चन की बात करें कि आखिरकार ये मार्की प्लेस होता क्या है, भैया ये रूल कहां से लेकर आया है पीएसएल 10 में, तो इस मार्की प्लेस की वजह से मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यार बहुत से दोस्त मेरे कुछ समझ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद भाई वो भी समझ जाएंगे। तो दोस्तों मार्की प्लेस का रूल जो है वो हमने बीपीएल यानी कि बिग बैश लीग वालों से और ज्यादा सर आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग को देकर लिया है। और मार्की प्लेस का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मेरे दोस्तों मार्की प्लेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई बड़ा खिलाड़ी यानी पीएसएल में मेरी एक टीम है और पीएसएल 10 के ड्राफ्ट से पहले ही मैं एक लड़के के साथ एक बड़े खिलाड़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं और उसको ये कहूं कि भैया मैं आपको $2.5 लाख 4 लाख डॉलर्स देने वाला हूं, तो आप मेरी टीम में खेलोगे पीएसएल 10 में, लेकिन शर्त ये है कि आप पूरा टूर्नामेंट खेलोगे, ना कि एक या दो मैचेस, ना कि सिर्फ फाइनल और प्ले ऑफ का मैच, बल्कि पूरा टूर्नामेंट खेलोगे तभी मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो इसका मतलब होता है मार्की प्लेयर्स। और मार्की प्लेयर्स में ये होता है कि अगर बड़ा खिलाड़ी जैसे ऑस्ट्रेलिया का डेविड वॉर्नर उनके साथ रابطہ करें तो भाई वो आगे कोई भी लीग नहीं खेलेगा और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में एक टीम की जानिब से खेलेगा अगर वो मार्की प्लेयर्स का हिस्सा हो। तो मेरे भाइयों इसको कहते हैं मार्की प्लेयर। लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है कि मार्की प्लेयर्स के साथ साथ हमें इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल भी लाना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग में। जी हाँ दोस्तों, इंपैक्ट प्लेयर रूल आप सभी को पता है कि आईपीएल में होता है, और इंपैक्ट प्लेयर रूल का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लेयर कभी भी किसी टाइम अपनी टीम को जीतवा सकता है
अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा भी ना हो तभी भी। मेरे दोस्तों मुझे फुल उम्मीदें हैं कि भैया इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी कि भैया PSL 10 का ड्राफ्ट कब होगा, आखिरकार PSL कब शुरू होगा और बार की प्लेस क्या है। लेकिन दोस्तों आगे मुझे ये बताओ, तो इस वीडियो के बाद दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि मैं कौन से टॉपिक्स PSL 10 के हवाले से लेके रहा हूँ, या मैं चैंपियन सोफी के हवाले से बात करूँ जो कि पाकिस्तान में हो रहा है, या फिर PSL 10 के हवाले से ही बात करूँ कि भैया कौन कौन से कंट्री के कितने कितने लड़के आने वाले हैं और वो अवेलेबल है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। मेरे दोस्तों कल के क्विज के जो विनर है, जो मैंने क्विज दिया था कि ये कौन सा खिलाड़ी है, तो सभी ने सही जवाब दिया और इस खिलाड़ी का नाम है शेन वॉन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का लेजेंडरी स्पिनर है लेकिन वो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। खैर वो कौन से मेरे भाई है जिन्होंने सही जवाब दिया, जिनके नेम जो वो लकी ड्रॉ में से निकले है, यार इस गले का क्या करूं यार, 20,000 सब्सक्राइबर करवा दो आप लोगों के लिए, ये मेरा गला खराब हुआ है यार। दोस्तों कल के क्विज के जो पहले विनर है वो है ख्यालमीर, तो ख्यालमीर के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाओ। जो दूसरे हमारे विनर है वो है कामरान, तो कामरान के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाओ। जो थर्ड हमारे विनर है वो है मुनीब, तो मुनीब के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो फोर्थ हमारे विनर है वो है राहीन, तो राहीन के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो फिफ्थ हमारे विनर है वो है शहीर, तो शहीर के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो सिक्स्थ हमारे विनर है वो है हंजला, तो हंजला के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो सेवंथ हमारे विनर है वो है अली असगर, तो अली असगर के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो एट हमारे विनर है वो है महावीर, तो महावीर के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। और जो नाइन्थ हमारे विनर है वो है अमर, तो अमर के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए क्योंकि उसने सही जवाब दिया। खैर यार वो मेरे भाई परेशान ना हो जिनके नेम जो वो आज की वीडियो में नहीं लिए गए, भैया आज का जो क्विज़ है वो इससे भी जीने वाला है। मुझे ये बताओ कि यार ये कौन सा खिलाड़ी है, और आप सभी को पता है पार्टिसिपेट करें तो पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फिर कमेंट सेक्शन में इस क्विज़ का आंसर देना। खैर यार मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक से बात करेंगे। अपना ख्याल रखो, मेरा भी ख्याल रखो। ओके अल्लाह हाफिज़।